अध्यात्म और ज्योतिष के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले तमाम दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आपके साथ में देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। प्रिय दर्शकों, आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे साथ कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। साथ ही हमें ये भी ज्ञात होगा कि आप हमारे साथ कहाँ से जुड़ पा रहे हैं। आइए बिना समय गंवाए हम लोग फटाफट अपने बिंदु पर चलते हैं। मैं आपके साथ दो ग्रह, तीन ग्रह, चार ग्रह, पांच ग्रह, अर्थात कोई भी ग्रह एक साथ एक भाव में बैठकर जब कुंडली में बैठते हैं उसको कहते हैं ग्रहों की युति। मैं संपूर्ण युतियों पर लेकर आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। आप प्लेलिस्ट में या नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप उसके आधार पर अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपके ग्रह आपकी कुंडली में कौन सी युति हो रही है और उसका क्या फल रहेगा। आज भी हम यही चर्चा आगे विस्तार कर रहे हैं। देखिए, जब भी हम युति का फल देखें इससे पहले हमें एक चीज और भी देख लेना चाहिए जो सामान्य सभी चीजों में देखना होता है, उसको यहां पर समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि हमारी कुंडली में जो ग्रह हैं वह किस स्थिति में बैठे हुए हैं। वह ग्रह अपने घर में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि पर बैठे हैं, पाप से युत हैं, दृष्ट हैं या मित्र के साथ में हैं, यह देखना परम आवश्यक हो जाता है। तो दर्शकों, हम लोग फटाफट चर्चा शुरू करें। यदि आप चाहते हैं तो अध्यात्म ज्योतिष पर बने रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और समय समय पर आपको ऐसी ज्ञानवर्धक चर्चा हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तीन ग्रहों के इस युति पर अब हम लोग बात करेंगे। चंद्र, बुध और गुरु। चंद्र, बुध और गुरु किसी भी एक भाव पर बैठे, अभी हम लोग हो सकता है आपकी कुंडली में किस स्थिति में बैठे हों, किस भाव पर बैठे हों, लेकिन सामान्यतः यहाँ पर क्या फल यहाँ पर रहने वाला है का जीव चंद्र बुधेर योगे, अर्थात तो गुरु चंद्र और बुध का योग तेजस्वी ही धनवानपि पुत्र मित्रांश संयुक्तो वाग्मी ख्यातश्च कीर्तिवान। ये तीनों अगर एक साथ बैठते हैं सबसे पहली बात है वह व्यक्ति विद्वत्ता के मामले में विद्वान होगा, धनी धन के मामले में अच्छा इसका योग संयोग बनता है, पुत्र और पौत्रादि इससे समन्वित तो होते हैं ऐसे लोग, मित्र आदि इनके बहुत अच्छे होते हैं, इनको सहयोग करने वाले होते हैं, इनसे ये जातक युक्त तो होते हैं। साथ ही साथ देखो ये सभी गुण जिसमें विद्यमान होंगे वो निश्चित रूप से कीर्ति को स्थापित करेगा, विख्यात होगा जो कि इसमें इसका फल बताया गया है। साथ ही साथ यशस्वी ऐसे लोग होते हैं, मनुष्य होते हैं, बहुत सोच विचार कर कार्य करने वाले होते हैं, मृदु वाणी ऐसे लोगों की देखी जाती है और साथ ही साथ बड़े संवेदनशील देखे जाते हैं हर कार्य के प्रति। तो दर्शकों, ये चंद्र, बुध और गुरु का एक स्थान पर संयोग का आधार था। दर्शकों, आप बने रहें ऐसी तमाम वीडियोस के साथ, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।